अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दोस्तों, जितना बड़ा वाकया हमारे रीजन में हो चुका है, जो कुछ अफ़गानिस्तान के तालिबान ने किया है, उस पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अफ़गान तालिबान की तारीफ़ करूं, तनकीद करूं या पाकिस्तान के हालात की जानब देखूं। अफ़गान तालिबान ने तैयारा मार गिराने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अफ़गान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ये कहना है कि हमने अमेरिका का तैयारा मार गिराया है, जिसमें 83 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और मुतअद्दद अमरीकी अफसरान भी इस तैयारे में सवार थे, जो कि अफ़गानिस्तान के सूबा गजनी की जासूसी कर रहा था। अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि ये हमारी जासूसी पे मामूर था। तो इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और यकीनन इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी हैं, वो कंफ्यूज हैं कि वो तालिबान की तारीफ़ करें। जी, बड़ा काम किया है आपने, अमरीकियों को सबक सिखाया है आपने, अमरीका का तैयारा मार गिराया है। आप तो ईरान पे भी बाजी ले गए हैं, आपने तो अमरीका का इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, जो कासम सुलेमानी को शहीद करवा के ईरान ने भी अमरीका का नहीं किया। मैं ये कहूँ या मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ कमर बाजवा, जो पिछले कई सालों से अफ़गानिस्तान में अमन करवाने के लिए मुतहरक हैं, जो अमेरिका का दौरा करते हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद पिछले 2 साल से मुतहरक हैं, सदर ट्रंप अफ़गानिस्तान का दौरा करते हैं और ट्रंप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए। ट्रंप चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान से फ़ौज वापस ले जाए। और ऐसे हालात जब कतर में मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात अपनी हतमी शक्ल इख्तियार कर चुके थे, ऐसे हालात जब तालिबान ने चीन का दौरा किया, रशिया का दौरा किया और पाकिस्तान का दौरा किया, और कतर में मुज़ाकरात चल रहे थे जिसमें पाकिस्तान इंतहाई अहम फरीक था, यही वजह है कि अमरीका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। अमरीका हम पे नवादशात कर रहा था, हम पे सफरी पाबंदियाँ उठा रहा था। फिर FATF में हमें निकालने के हवाले से भी अमरीका ने हमारी हमायत की। इन सारी बातों को छोड़ दें, ये पाकिस्तान के हवाले से हैं। क्या अफ़गान तालिबान नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान आज़ाद हो, अमरीकी फ़ौजी वहाँ से निकल जाएं? तो इन तमाम मामलात को जो लोग समझने वाले हैं, जो ज़ी शऊर हैं, वो यकीनन परेशान भी हैं, कंफ्यूज भी हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दिन पहले ये बयानात आते हैं कि अमरीकी फ़ौज ने निकलना शुरू कर दिया है, और अचानक आप सुनते हैं कि अफ़गान तालिबान हेलीकॉप्टर मार गिराते हैं, रोड पे अमरीकी फ़ौजियों पे हमला करते हैं, और आज तो हद ही हो गई, यानी 83 अमरीकी हलाक हो चुके हैं। 83 अफराद जो तैयारे में सवार थे, सब के सब वो हलाक हो चुके हैं, और उसमें मुतअद्दद अमरीका के आला ऑफिसर भी थे। अब क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या होगा। अगर आपको याद हो कि अमरीका का एक फ़ौजी मरा था और ट्रंप ने अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख कर दिए थे, अब क्या होगा? क्या इस खित्ते में कोई नई जंग लगने जा रही है? यह मौजू इंतहाई सीरियस है। पाकिस्तान के हवाले से देखें, खित्ते के हवाले से देखें, अमेरिका के हवाले से देखें, इस मौजू को हम छोड़ नहीं सकते कि इतना बड़ा वाकया हमारे पड़ोस में हो गया है, और वो पड़ोसी जिनकी वजह से जितना हमने नुकसान बर्दाश्त किया है, 72 साल तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ। 70,000 जानें हमारी ज़ाया हुई, इकॉनमी हमारी मुसलसल तबाह हुई, $200 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। और उसके बाद आप असाब लगाएं कि ना सिर्फ नुकसान हुआ, FATF में हम ग्रे लिस्ट में हैं, दुनिया हम पे भरोसा नहीं करती, मनशियात अफ़गानिस्तान से आ रही हैं। वज़ीर आज़म ने जैसे कि कहा कि क्लाशन कोपे सारी अफ़गानिस्तान से आ रही हैं, जो कूड़ा क्रिकेट है वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है। और
अब आगे चल के मैं और भी आपको कहानी बताऊंगा कि इसके पीछे और क्या क्या हाथ हो सकते हैं, जो सबसे हैरान कुन, जो सबसे मेरे जाती तजिये के मुताबिक हम जिस पे हमें सोचना चाहिए कि एक तो हम पिछले 40 साल से अफगानिस्तानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, अपना नुकसान करवा रहे हैं। दूसरा, अब अमन होने चला था, अब अमन नहीं होगा, अब जंग होगी, अमेरिका माफ़ नहीं करेगा। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ, एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। अब एक लिहाज से अगर देखा जाए और कहा जाए जी देखें, अमेरिका भी यके बाद दीगरे इस खत्ते पे हमले करता है, तो ईरान भी हमले कर रहा है अमेरिका पे, ईरान इराक में अमेरिकी अड्डों पे हमला करता है, इधर से अफगान तालिबान ने अमेरिकी जहाज़ मार गिराया है, तो अमेरिकियों को फेंटा लग रहा है। एक बात याद रखिएगा, ये अमेरिकियों को फेंटा नहीं लग रहा, ये पाकिस्तान को फेंटा लग रहा है, नुकसान हमारा होगा। अब इसमें जो असल कहानी है वो ये भी हो सकती है, भारत नहीं चाहता अफगानिस्तान में अमन हो, भारत हरगिज़ नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो, भारत किसी सूरत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो और पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर खाली हो जाए, कभी भी नहीं चाहता। अब या तो ये भारतीय प्रॉक्सी है, ये भारतीय राह की साजिश है, जो कुछ भी हुआ है ये सब प्लांटेड है, या अगर ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप इलेक्शन जीतने के लिए ये चाहता हो कि हम फौज वापस बुलाएं, ताकि मेरा जो बयानिया था वो सच साबित हो सके। लेकिन पेंटागन जो पहले भी कह चुका है, जो नहीं चाहता कि हम अफगानिस्तान से फौज वापस बुला लें, हम इराक से फौज वापस बुला लें, तो पेंटागन अगर अफगानिस्तान से फौज वापस बुला लेता है तो उसका चीन पे और पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं रहता। इस वक्त सबसे ज़्यादा भारत को, इसराइल को और सबसे ज़्यादा अमेरिका को सी पैक से ख़तरा है। अगर वो अफगानिस्तान से चले जाते हैं तो फिर उनका सी पैक पे कंट्रोल नहीं रहेगा, उनकी नज़र नहीं रहेगी, उनके रिडार नहीं रहेंगे इधर। अगर वो इराक से चले जाते हैं तो वो फिर चीन को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे, रूस को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, इस खित्ते में इसराइल को पाकिस्तान और ईरान से ख़तरा है, लिहाजा उसके लिए वो अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। अब वो नहीं चाहता इसराइल भी कि अमेरिका इस खित्ते से निकल जाए, यानी ये अमेरिका की अपनी ही साजिश हो सकती है। अमेरिका ने अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कोई दो नंबरी की होगी, या अफगानियों पे हमले किए होंगे जिसकी वजह से अफगान तालिबान गुस्से में हैं, और ये अमेरिका की अपनी ही चाल हो सकती है और भारत की भी चाल हो सकती है। दूसरी जानब ईरान को कमज़ोर करने के लिए गुज़श्ता शब एक दफ़ा फिर से इराक में अमरीकी अम्बेसी पर 6 रॉकेट फायर किए गए, लिहाजा अमेरिका को पता चल चुका है कि अगर हम इस खित्ते से फौज निकाल लेंगे तो हमारे जो मफादात हैं उनका नुकसान होगा। तो ये कहानी भी हो सकती है, अगर तालिबान ने किसी भी वजह से ये किया है, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर किया है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। या जैसे भी हुआ है, आप सारी बातों को छोड़ दें, चाहे तालिबान ने बेवकूफ़ी की है, चाहे अमेरिका की और भारत की साजिश है, दोनों तरफ से हमारा नुकसान है, दोनों तरफ से निशाना पाकिस्तान बनेगा, दोनों तरफ से जो असल मुसीबत में फंसेगा वो पाकिस्तान फंसेगा। लिहाजा इस इशू को हमें इंतहाई ऐसे तरीके से टैकल करना है, इस इशू को हमने नॉर्मल नहीं लेना, इस इशू को हमने इजी नहीं लेना। लिहाजा इस वक्त मुझे आपकी भी रहनुमाई दरकार है, मेरे सुनने वाले मुझे प्लीज़ गाइड करें और अपनी राय दें कि असल कहानी क्या है, आपके मुताबिक ये सारा सिलसिला क्या है, आपको क्या लगता है, क्या ये भारत की साजिश है या पेंटागन की साजिश है,
या तालिबान ने जानबूझकर बेवकूफ़ी कर दी है। तालिबान अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। जो कुछ भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अफगानिस्तान के महाजरीन वापस जाएं, अफगान बॉर्डर पे अमन हो और हमारी जो 2 लाख आर्मी है वो मशरकी बॉर्डर पे आए ताकि हम भारत का मुकाबला कर सकें। तो ऐसे में मुझे आपकी रहनुमाई चाहिए, आप मेरी रहनुमाई करें और बताएं कि असल कहानी क्या हो सकती है, और दुआ करें कि इस खत्ते में अमन हो, हम जितनी भी अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हैं उनसे महफूज रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।